हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अखिलेश ने दिखाई दीपिका की छपाक। सपाइयों को अखिलेश ने दिखाई दीपिका की छपाक। कार्यकर्ताओं ने कहा सच्चे हैं अखिलेश। तमाम विवादों के बीच एसिड अटैक से पीड़ित लक्ष्मी अग्रवाल पर बनी छपाक फिल्म आखिरकार रिलीज हो ही गई। दीपिका पादुकोण की अधिकारी से सजी इस फिल्म को लेकर दो पक्ष आमने सामने खड़े हैं। हालांकि कई राज्यों की सरकारों का फिल्म को समर्थन मिला है। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म को कुछ राज्यों में टैक्स फ्री भी किया गया है। वहीं यूपी में सपा फिल्म के समर्थन में खड़ी दिखाई दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं खासतौर पर महिलाओं को फिल्म दिखाने के लिए कई सिनेमा हॉल बुक कराए। लखनऊ में गोमती नगर स्थित वे मॉल में बड़ी संख्या में समाजवादी नेता कार्यकर्ता फिल्म छपाक देखने के लिए पहुंचे। वहीं सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी परिवार समेत वहां मौजूद थे। दिखा रहे हैं कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स कैसे अपनी लाइफ को मतलब आगे जीती हैं और इसका कोई विरोध कर रहा है तो ये बहुत ही बेकार बात है। बहुत ही बेकार बात कि आपको इसका स्टैंड लेना चाहिए कि और लोग जाके देखें इस चीज़ को कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कितनी डिफिकल्टीज होती है, उनको जीने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका चेहरा बिगाड़ दिया बस अपने ईगो की वजह से। तो ये बहुत ही बेकार बात है। अगर आप लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं, जो भी इसको बॉयकॉट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, छपाक के विरोध वही लोग कर रहे हैं जो एसिड अटैक करने वालों का समर्थन करते हैं, वही लोग कर रहे हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में इस देश के अंदर मार्च करते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने एसिड अटैक वाली पीड़िताओं के लिए अपनी सरकार रहते भी मदद की थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको शिरोज देकर के उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम किया था। उसी तरह से उन बेटियों को जब आज पिक्चर में काम करने का मौका मिला है, उनको अपनी कहानी को पर्दे पे और जनता के बीच ले जाने का काम मतलब मौका मिला है, तो कुछ लोग हैं जो आरएसएस और संघी मानसिकता से ग्रसित हैं और कहीं ना कहीं बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, इसलिए वो छपाक का विरोध कर रहे हैं। यहां एसिड अटैक सर्वाइवर्स भी सपा नेताओं संग फिल्म देखने पहुंचे, जहां कई कार्यकर्ता फिल्म छपाक के पोस्टर लेके पहुंचे, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो भी छपी थी। पोस्टर में लिखा था अच्छे हैं अखिलेश एवं सच्चे हैं अखिलेश। देखिए, कभी कभी तो दीपिका जी उनको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर अन्याय के खिलाफ वो साथ में खड़ी हो जाए तो उनको दिक्कत होने लगती है। और ये मूवी तो सबको वैसे भी देखनी चाहिए। जिस लड़की पर एसिड अटैक हुआ उस पर आधारित मूवी है, तो महिलाओं के खिलाफ अगर कहीं अन्याय हो रहा है उस पर कोई मूवी बनी है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करे कि वो बेटियों के साथ खड़ी है या बेटियों के खिलाफ खड़ी है। मुझे लगता है जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बहन बेटियों के खिलाफ खड़े हैं। गौरतलब है कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म के प्रमोशन के लिए लगातार शहर शहर गई। वो रविवार को लखनऊ भी आई थी, जहां उन्होंने अपना 34वां जन्मदिन भी मनाया, लेकिन दिल्ली में प्रमोशन करना उनको भारी पड़ गया। जेएनयू में चल रहे बवाल के बीच दीपिका पादुकोण का वहां पहुंचना कई लोगों को नागवार गुजर गया। उनके वहां काली पोशाक में जाना, कन्हैया कुमार का वहां मौजूद होना, बिना बोले दीपिका का वहां से चले जाना लोगों के बीच बड़ा मुद्दा बन गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर #boycottdeepika #boycottchhapak ट्रेंड के साथ अभिनेत्री पर निशाना साधना शुरू कर दिया। हालांकि फैंस का दीपिका को साथ मिला और #isupportdeepika के ट्रेंड के साथ ट्रोलर्स को भी जवाब दिया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।